महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को कोर्ट ने बहुत ही तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल जेल में बंद उसके मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई के सेशन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दोनों नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए अनुमति मांगी थी, जमानत मांगी थी। इस तरह राज्यसभा चुनाव में नवाब मलिक और अनिल देशमुख वोट नहीं डाल सकेंगे। मुंबई के सेशन कोर्ट ने दोनों की अर्जी को खारिज कर दिया है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख कल होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने को लेकर के कोर्ट में उन्होंने अर्जी दायर की थी। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक फरवरी से लगातार जेल में बंद हैं। उन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इसी तरीके से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी जेल में बंद हैं, उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दोनों ने शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए बेल की मांग की थी। तो सीधे तौर पर बहुत ही बड़ा झटका, दरअसल ये झटका नवाब मलिक और अनिल देशमुख को नहीं सीधे तौर पर शरद पवार को लगा है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी बनाई हुई स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं सेशन कोर्ट के इस बड़े फरमान ने दरअसल बर्बाद करके रख दी है। और मैंने एक वीडियो में ये भी दावा किया था कि जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इनकी बेल का दरअसल विरोध कर रही है, तमाम सबूत रख रही है, तमाम दलीलें रख रही हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को जमानत नहीं मिलेगी वोट डालने के लिए भी। और वही हुआ, सेशन कोर्ट ने सीधे तौर पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और उन्हें वोट डालने का कतई अधिकार नहीं दिया गया है। ईडी ने खुद ही कह दिया था कि एक कैदी है जो कि कैद है दरअसल जेल में, उस पर गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में वोट डालने का उसका अधिकार कैसे रहा। बहरहाल जो अनिल देशमुख और नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है और शरद पवार की कहीं ना कहीं अब नींद उड़ चुकी है, इस पर आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मूव चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर आऊँ तो इस बात की जानकारी सबसे पहले आपको लगे।